डैडी, मेहुल इज नो मोर, मेहुल मर गया है। शट अप, ही इज नॉट नॉर्मल पर्सन, ही इज डिटेक्टिव मेहुल। जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक जंगल और नदी में सर्च करते रहो। माइकल अपने बंदों को हेलीकॉप्टर में लेकर रिवर और जंगल में सर्च करने लगता है। मेहुल और डिटेक्टिव असलम तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन मार्को की बॉडी में बहुत सारा पानी भर गया है। असलम, ये कौन सी जगह है? सर, मुझे टापू के बारे में कुछ नहीं पता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोबाइल में भी पानी भर गया है, काम नहीं कर रहा है। सर, लगता है इस टापू पर हमारे अलावा कोई और भी है। लॉजिकल आर्मी, असलम को ऐसा क्यों लगा कि टापू पर कोई और भी है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। थोड़ी दूर पर देखिए, वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आग जला रहा है। मेहुल और असलम मार्को को एक कोकोनट ट्री से बांध देते हैं और उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ से धुआं आ रहा है। टेड, मेहुल की बॉडी नहीं मिली, वो इतने आसानी से नहीं मरेगा। असलम, मुझे पीछे से कवर दो, हो सकता है वहां आदिवासी हो। थोड़ी देर बाद मेहुल को एक आदमी दिखाई देता है। मेहुल ट्री के पीछे छुप जाता है और असलम को छुपने के लिए इशारा करता है। मेहुल ध्यान से देखता है तो वहां एक नहीं दो आदमी थे और वो लोग आग लगाकर फिश पका रहे थे। यहाँ दो नहीं तीन लोग हैं। लॉजिकल आर्मी, दिख तो दो ही लोग रहे हैं, तो मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ तीन लोग हैं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, दोनों के बगल में एक लेडी चप्पल दिख रही है, इसका मतलब उन लोगों के साथ एक लेडी भी है। तभी अचानक मेहुल को होश आ जाता है, लेकिन मेहुल का सर अभी भी घूम रहा था। सर बहुत भारी लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? लगता है इसकी याददाश्त चली गई। कौन हो तुम लोग और कौन हूँ मैं, और मैं यहाँ कैसे आ गया? देखने में तो ये बहुत तगड़ा लग रहा है, इसे अच्छे से चेक करो, कहीं कोई जासूस तो नहीं। वो आदमी मेहुल की अच्छी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन मेहुल के पास उसे कुछ नहीं मिलता। अक्कड़ पक्कड़ पंबे पो 80 90 पूरे 100। बॉस, पक्का इसकी मेमोरी चली गई है और ये पागल हो गया है। तभी वहां पर वो फीमेल भी आ जाती है जिसने मेहुल के सर पे डंडा मारा था। ये अकेला नहीं था, इसके साथ दो लोग और भी थे। अरे सच सच बता, कौन है तू? साथी साथी मोटा हाथी। अरे ये तो सच में पागल हो गया है, इसे पानी में फेंक दो, मछलियां इसे खा लेगी। वो आदमी मेहुल को मारने के लिए वहां से ले जाने लगता है। वो मेहुल को एक टापू के किनारे पे लेके पहुंच जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेहुल उस आदमी का मार मार कर भरता बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मत मारिए, मैं तो बस पैसे के लिए ये सब करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चाचा बताओ, कौन हो तुम लोग और इस टापू पर क्या कर रहे हो? तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम शेरा है और वो लोग कबरी का काम करते हैं। बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए फॉरेनर्स पानी के रास्ते से इसी टापू से होकर जाते हैं और वो लोग कभी कभी पुलिस से बचने के लिए कई कई दिनों तक इसी टापू पर छुपे रहते हैं। मेहुल शेरा को लेकर तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ मार्को को ट्री से बांधा था, लेकिन मार्को वहां नहीं था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब कोई मार्को को छुरा कर ले गया है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि कोई मार्को को छुरा कर ले गया है? हो सकता है मार्को खुद से रस्सी तोड़ के भाग गया हो, तो मेहुल इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, रस्सी बिल्कुल स्लाइस में कटी हुई है
अगर मार्को अपनी पावर से रस्सी तोड़ता तो रस्सी स्लाइस में नहीं कटी होती, कुछ इस तरह से टूटी होती, मतलब किसी ने चाकू से रस्सी को कट किया है। फिर मेहुल असलम को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे असलम भी कहीं नहीं मिलता। असलम कोई मुसीबत में तो नहीं होगा? लेकिन सर आपकी याददाश्त वो बस एक नाटक था। चलो वापस उसी जगह चलते हैं जहाँ तुमने मुझे बांधा था। सर वैसे हम आए कौन से रास्ते से थे? लॉजिकल आर्मी, अब आपको सामने दो रास्ते दिख रहे हैं, क्या बता सकते हैं कौन से रास्ते से मेहुल को शेरा लेके आया था, ए या बी? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। मेहुल ने आते टाइम अपने पैर से मार्किंग्स बना ली थी जिससे कभी जरूरत पड़े तो उसे पता हो कि उसे कहां बांध के रखा गया था। शेरा ये सब देख के एकदम इम्प्रेस हो जाता है। सर आप तो जीनियस हो। मार्किंग्स को फॉलो करते हुए दोनों वापस वहीं जाने लगते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे दोनों साथी कहाँ गए? सर वो लोग पक्का नाका पीक पर गए होंगे। आज इस टापू पर एक जहाज आने वाला है और जब तक हम लोग उस जहाज को सिग्नल नहीं देंगे तब तक जहाज टापू पर नहीं आएगा। लेकिन असलम कहाँ गया? हो सकता है असलम भी वहीं गया हो। मेहुल शेरा को लेकर नाका पीक की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल शेरा के साथ खंडर में छुप जाता है और जहाज के आने का वेट करने लगता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने जहाज में ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे बिलीव नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जहाज पर वेनम वेब का लोगो बना हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सी एजेंसी है जो स्मगलिंग का काम करती है? शेरा ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर लो। बुरा काम करने की बजाय अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाओ, मेरे खबरी बन जाओ। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद शेरा मेहुल का खबरी बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगा लेकिन आपको मेरी सिक्योरिटी की गारंटी लेनी होगी। डोंट वरी शेरा, अब तुम अपने दोनों साथियों को जाकर मेरा प्लान बताओ। मेहुल ने वेनम वेब की शिप को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली। शेरा तुरंत अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। शेरा एक कलर फायर करता है और शिप नाके पर आने लगता है। लेकिन अभी तक मेहुल को असलम और मार्को का पता नहीं चला था। कुछ तो गड़बड़ है वरना असलम मुझे छोड़कर यहाँ से गायब नहीं हो सकता था। इतने जल्दी शेरा पे भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। अगर उसने धोखा दिया तो मैं फंस सकता हूँ। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। मेहुल ट्री के पीछे छुपते छुपते अपनी लोकेशन चेंज करने लगता है। तभी मेहुल को कुछ शैडोज दिखाई देते हैं। ट्रीज के पीछे इतने लोग क्यों छुपे हुए हैं? इसका मतलब किसी ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वेनम वेब के जहाज आ रहे थे और दूसरी तरफ से बहुत सारे अननोन लोगों ने टापू को घेर लिया था। अभी तो ट्री पे चढ़ के छुप जाता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना चाहिए। पेड़ के ऊपर चढ़ते ही डिटेक्टिव मेहुल को डिटेक्टिव असलम दिखाई देता है। असलम भी मेहुल की तरह एक ट्री के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वेनम वेब का शिप टापू के किनारे पे आ जाता है। शिप से चार लोग बाहर आते हैं और शेरा से डिस्कशन करने लगते हैं। मेहुल के प्लान के मुताबिक शेरा वेनम वेब के लोगों को टापू पर रुकने के लिए बोलता है। आगे बहुत खतरा है, बांग्लादेश की खुफिया पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तो ड्रैकोनेक्सस के लोग है, क्या होने वाला है यहाँ? मेहुल सेफ जगह जाने का सिग्नल दे रहा है, यहाँ से तुरंत चलो। तभी ड्रैकोनेक्सस के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनको देख वेनम वेब के लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। चौक
जल्दी बता आरव कहाँ है। बता बता। तुम कभी आरव भाई को नहीं पकड़ पाओगी। आरव भाई के ऊपर बिग डैडी का हाथ है। क्या बोला तू? ये ले। जल्दी बता नहीं तो तुझे भी दुराग्रह डाल देंगे। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी अचानक आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइस क्यूब। यस। आलिया तुरंत पुलिस से आइस क्यूब्स मंगवाती है। आलिया आइस क्यूब रघु के शर्ट के अंडर डाल देती है। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। प्लीज आलिया ऐसा मत करो, बाहर निकालो। प्लीज आलिया। अरे भाई तू तो बहुत जल्दी लाइन पे आ गया। आलिया फिर रघु के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और आइस क्यूब पिघल जाते हैं। आरव भाई आज रात दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं। पूरे इंडिया की पुलिस आरव भाई को सर्च कर रही है, इसीलिए बिग डैडी ने आरव भाई को दुबई आने के लिए कहा है। अच्छा तो ये बात है, दुबई जाने से पहले वो मुझे टपकाना चाहता था, अब तो उसे बताना ही पड़ेगा कि आलिया क्या चीज है। जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर जहाज यहाँ से निकल जाना चाहिए। आरव भाई सारा माल शिप के अंदर शिफ्ट हो गया है। गुड बाय कैप्टन, कल सुबह दुबई में मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये शिप दुबई नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगा कि ये शिप दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रही है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। शिप के रास्ते मुंबई से दुबई जाने के लिए 8 से 10 दिन लगते हैं, तो फिर ये जहाज अगली सुबह ही दुबई कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब आरव भाई और उसके लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि उनकी ओरिजिनल लोकेशन किसी को पता ना चले। शिप दुबई नहीं कहीं और जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे अकेले तो फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने आरव को पकड़ लिया तो सब पता चल जाएगा। वही रुक जाओ वरना मैं तुम्हें अभी के अभी टपका दूंगी। वेलकम आलिया, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बच्चू अब जो मैं आ ही गई हूँ तो तुझे ले कर ही जाओगी। आलिया जरा पीछे देखो, उसके बाद मुझे ले जाने का सोचना। आलिया तू तो गई का। आज आलिया को मारकर उसकी डेड बॉडी बिग डैडी के पास ले जाऊंगा। क्या बिग डैडी जिंदा है? जय बजरंगबली, बचा ले आलिया की बली। हमें आदि ने बताया तुम अकेले यहाँ आरव को पकड़ने पहुंच गई, हम तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। तुम कौन हो और आरव कहाँ है? मुझे मत मारिए, मुझे आरव भाई ने भेजा था आपको मारने के लिए। मैडम मेरा नाम तो मुन्ना है, मैं पहले वॉइस आर्टिस्ट था इसलिए आरव भाई की तरह आवाज निकाल लेता हूँ। अच्छा तो अब समझ आया। इसके बाद आलिया मुन्ना से पूछताछ करती है तो मुन्ना बताता है कि आरव भाई तो इस समय सऊदी अरब के दुबई में है और वहीं से बड़ी बड़ी डील ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा तो आरव दुबई में ऐश कर रहा है, पूछे तो मैं वही आके पकड़ूंगी आरव। आलिया संभल कर, मुझे और एंडरसन को डिटेक्टिव सोसाइटी के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में रहना होगा। कोई ना सर, मैं तो अकेले ही आरव से निपट लूंगी।
मुन्ना को पुलिस के हवाले कर आलिया आदि के घर और टिम और एंडरसन डिटेक्टिव सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। ओट आदि ओ जल्दी से मेरी दुबई जाने की टिकट्स बुक कर दे। आलिया तुम डिटेक्टिव जलाल की टेरिटरी में जा रही हो। डिटेक्टिव जलाल डिटेक्टिव सोसाइटी के टॉप और सीनियर डिटेक्टिव्स में है। स्ट्रेटजी मेमोरी कैलकुलेशन और पजल स्किल्स में वो मुझे भी बीट कर सकता है। जलाल की स्ट्रेटजी स्किल्स 9671 है। वाह डिटेक्टिव जलाल से मिलने में तो मजा आएगा। क्या होगा ड्रैकोनेक्सस और वेनम वेब की फाइट का और क्या होगा दुबई में देखेंगे हम अगले एपिसोड में।